हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी का एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में देखेंगे। ये ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है। हालांकि मैंने अब तक एक एक लेक्चर अपलोड किए हैं 11-12 तरह के, बट अब ये पैरेलली चलते रहेंगे क्योंकि अब मैं क्या करूँगा, हिस्ट्री के थोड़े टाइम लगेगा आने में, बट ये तो रेगुलर आपके रहेंगे। हिस्ट्री के लेक्चर बीच बीच में मैं डालते रहूँगा, थोड़ा उनको प्रिपेयर करने में थोड़ा वक्त लगता है। ठीक है, तो एनीवे शुरुआत करते हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की। तो एक बार हम बेसिकली, आपको नाम से ही पता चल गया होगा, ट्रांसपोर्ट मतलब यातायात और कम्युनिकेशन मतलब संचार के साधन जो होते हैं। ट्रांसपोर्ट में क्या होता है आपको पता ही है, ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि कोई भी सामान को, हम सामान को इंग्लिश में बोलते हैं गुड्स, किसी भी सामान को या लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में क्या चीज़ हेल्प करती है, ट्रांसपोर्ट हेल्प करती है। और कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, अपनी बात को एक जगह से दूसरी तक जगह तक पहुंचाना। अब वो पहुंचाने का माध्यम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको इंट्रोडक्शन में पता चल गया है कि ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, हम क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, ये वाटर ट्रांसपोर्ट है, ये भी वाटर ट्रांसपोर्ट है, ये रोड ट्रांसपोर्ट में आता है, ये एयर ट्रांसपोर्ट है, और ये लैंड ट्रांसपोर्ट में रेलवेज में आता है। ठीक है, तो हम इन सब चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले तो सिर्फ हम जानने की कोशिश करेंगे एक इनका वर्ड मतलब क्या है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको ट्रांसपोर्टेशन। आई होप आप सभी इसको जानते होंगे कि भाई ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है। ट्रांसपोर्टेशन का सिंपल सा मतलब है कोई भी गुड्स, या कोई गुड्स है या किसी भी व्यक्ति को एक जगह से, ये एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। अब ये एक जगह से दूसरी जगह किसी भी रूप में जा सकते हैं, या तो ये ज़मीन पर जा सकते हैं, या फिर ये पानी के थ्रू जा सकते हैं, या फिर ये एयर के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, ज़मीन के थ्रू जाने के यहाँ पर 3 सोर्सेस हैं। सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए ज़मीन में भी 3 सोर्स आते हैं। पहला आता है रोड के थ्रू, आप रोड के थ्रू जा सकते हो। दूसरा आता है रेलवे के थ्रू, और तीसरा आता है पाइपलाइन। पाइपलाइन के थ्रू भी चीज़ों को भेजा जाता है ज़मीन पर। वाटर ट्रांसपोर्ट आपको पता ही है, वाटर ट्रांसपोर्ट में एक तो हम भेजते हैं रिवर्स के थ्रू, और एक भेजते हैं हम ओशियंस में। और एयर ट्रांसपोर्ट मतलब आपको पता है, एयरवेज हवाई जहाज के थ्रू, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों प्रकार की सर्विसेस होती हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन का अल्टीमेटली मतलब क्या है कि किसी भी गुड्स को या किसी भी पैसेंजर्स को या लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाना ही क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। अब एक जगह से दूसरी जगह तक जो चीज़ पहुंचा रही है, जिस माध्यम से पहुंच रहे हैं, जिस मीडियम से पहुंच रहे हैं, वो हो जाएंगे हमारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्या हो जाएंगे, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। अब मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में चाहे लैंड ट्रांसपोर्टेशन हो, या वाटर ट्रांसपोर्टेशन हो, या एयर ट्रांसपोर्टेशन हो। ठीक है, ये मीडियम कुछ भी हो सकता है। लैंड पर मैंने अभी जस्ट बताया था, या तो आप रोड से जा सकते हो, या आप रेलवे से जा सकते हो, या आप पाइपलाइन के थ्रू। आप मतलब पाइपलाइन से हम तो नहीं जाएंगे, मगर सामान जाता है, आपको पता है पाइपलाइन के थ्रू पानी, गैस, ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं। और वाटर में आपको एक तो पता है रिवर्स के थ्रू, और एक होता है ओशियंस के थ्रू। ठीक है, और एयरवेज आपको पता ही है, हवाई जहाज के थ्रू, हाँ, हेलीकॉप्टर्स और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। दूसरी हम चीज़ देखेंगे, एक जस्ट एक ओवर भी लेंगे कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। ट्रांसपोर्ट का मतलब तो हो गया सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजना विद द हेल्प ऑफ रोड, रेलवेज और एयरवेज की सहायता से, रोड की सहायता से, वाटरवेज की सहायता से, एयरवेज की सहायता से। नाउ लेट अस सी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, वैसे कम्युनिकेशन का मतलब हिंदी में होता है संचार। ठीक है, संचार का मतलब क्या है कि अपने, अब देखो कम्युनिकेशन का मतलब समझते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब है अपने आइडियाज, अपना कोई मैसेज या अपनी कोई इन्फॉर्मेशन, अपने आइडियाज, अपना कोई मैसेज, अपना कोई इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एनीथिंग, कोई भी चीज़ हो, उसको एक जगह से या वन पर्सन से दूसरे पर्सन तक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, या एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना क्या कहलाता है, ये कहलाता है कम्युनिकेशन। अब ये एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के कई सारे मीडियम्स होते हैं। चाहे तो आप टेलीफोन से अपनी बात को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाओ, चाहे आप मोबाइल से अपनी बात को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाओ, चाहे आप टेलीविज़न के थ्रू एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक या कई लोगों तक पहुँचाओ, चाहे आप रेडियो का इस्तेमाल करो, ठीक है, चाहे आप इंटरनेट का इस्तेमाल करो। आज की डेट में आपको पता है, अब तो मैं भी क्या कर रहा हूँ, ये भी कम्युनिकेशन का मीडियम है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मोबाइल पे पढ़ रहे हो, या आप लैपटॉप पे पढ़ रहे हो, कंप्यूटर पे पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, तो मैं भी क्या कर रहा हूँ, अपने विचार को, अपने आइडियाज़ को, अपनी नॉलेज को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचा रहा हूँ। किसके थ्रू पहुँचा रहा हूँ, यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ इंटरनेट,
और साथ के साथ में मोबाइल, ठीक है। तो आप देख रहे हो किसकी सहायता से देख रहे हो इन सारी चीज़ों को, मोबाइल की सहायता से। तो मैं आप लोगों तक कैसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, मोबाइल प्लस इंटरनेट की सहायता से, ठीक है। तो ये चीज़ क्या हो गई, ये हो गई सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके तहत मेरा जो मैसेज है, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, मेरी जो नॉलेज है, चाहे वो वीडियो के रूप में हो चाहे ऑडियो के रूप में हो, आप वीडियो भी देख रहे हो साथ के साथ में ऑडियो भी सुन रहे हो, तो ये इन्फॉर्मेशन किसके थ्रू जा रही है, इंटरनेट और मोबाइल की तरह से। तो ये क्या हो गया, इंटरनेट और मोबाइल हो गए कम्युनिकेशन के मीन्स, कम्युनिकेशन के मीन्स, मीन्स का मतलब होता है कम्युनिकेशन के साधन हो गए दोनों के दोनों, ठीक है। ठीक है, तो आपको पता होगा अब कम्युनिकेशन के साधनों में डे बाई डे मतलब बहुत सारे चेंजेज आए हैं। आज की डेट में तो सबसे ज़्यादा लोग कम्युनिकेशन के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। आई होप यू ऑल नो सोशल मीडिया मतलब आपको पता ही है, फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर और आजकल टेलीग्राम। हम भी आपको पता है आज जो अपना मटेरियल है, मटेरियल को किसके थ्रू भेजता हूँ मैं, अपना मटेरियल जो नोट्स वोट्स हैं वो सारे के सारे टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल रखे हैं, उसके थ्रू भेज रहा हूँ। अपने वीडियोज मोबाइल पे डाल रहा हूँ। तो आज का तो पूरा की पूरा जो मतलब सिस्टम है कम्युनिकेशन का ही। आप फेसबुक सभी चलाते हैं तो फेसबुक के थ्रू आप कम्युनिकेट करते हो लोगों को, अपनी बात पहुँचाते हो, अपना मैसेज पहुँचाते हो, अपनी फीलिंग शेयर करते हो कि आज मैं फीलिंग हैप्पी, आज मैं फीलिंग मतलब रो रहा हूँ या क्राई कर रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं, आज बहुत दुखी फील कर रहा हूँ, आज बहुत एक्साइटेड फील कर रहा हूँ। तो अपने मैसेज, अपने फीलिंग्स, अपने आइडियाज़, या कुछ लोग अपने आइडिया ही डालते हैं, अच्छे अच्छे आइडिया ही डालते हैं। तो ये फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया और इंस्टाग्राम हो गया, पता नहीं कितनी सारी साइट्स आ गई हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने मैसेज को विद इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में दुनिया के किसी भी कोने में आप किसी भी लोग से किसी से भी बात कर सकते हो विद इन 1 सेकंड। पहले के ज़माने में क्या होता था, एंशियंट टाइम में आपको पता है ढोल नगाड़े ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी टीवी में, नाटक वाटक या कुछ देखे होंगे। पहले लोग वह क्या करते थे, शहरों में ढोल नगाड़े बजाते थे, फिर सुनो 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 कुछ ऐसे करके तब लोगों को इकट्ठा करते थे। तो वो एंशियंट मीडियम हो गया। और साथ ही साथ में पहले ये मोबाइल जब ये नहीं आया था, इंटरनेट नहीं आया था, तो आपको पता है खत चलते थे, लेटर चलते थे, लेटर लिख के भेजते थे, खत लिख के भेजते थे, जिनको हम बोलते हैं चिट्ठी, और जिस पर गाना भी बनाया चिट्ठी आई है, देखा होगा आपने, ठीक है। तो चिट्ठी के माध्यम से हम क्या करते थे, कम्युनिकेट करते थे। और कई सारी मूवीज में देखा होगा आपने, हम बर्ड्स का भी इस्तेमाल करते थे, पक्षियों का भी इस्तेमाल करते थे, पक्षी मतलब मैसेज लेके जाते थे, ठीक है, कहीं पर कबूतर मैसेज लेके जा रहा, कहीं पर बाज, कई सारे पक्षियों को भी हम क्या करते थे, यूज करते थे अपनी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, अब हमारा पिछला इतिहास देखें, बैकग्राउंड पे जाएं, तो पहले हम अगर कोई इंफॉर्मेशन पहुंचानी होती थी तो उसमें समय लगता था, बहुत समय लगता था, कई बार तो एक एक साल लग जाती थी एक जगह से दूसरी जगह जाने में, दो दो साल लग जाती थी, ठीक है। पोस्टमैन वाला सिस्टम था, आपने देखा होगा आजकल पोस्टमैन का ज़्यादा इतना रोल रहा नहीं है, क्योंकि सब कुछ आजकल क्या हो गया है, डिजिटल हो गया है, ऑनलाइन हो गया है। तो अभी भी घर पे आपने देखा होगा डाकिया आता है, आपका कोई भी गवर्नमेंट का लेटर या कोई भी चिट्ठी विट्ठी होती है उनको लेके आते हैं। तो पहले ये सिस्टम थोड़ा स्लो था, अब जैसे जैसे हम थोड़ा 21st सेंचुरी में मूव करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम मतलब टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता जा रहा है, तो ये जो इंफॉर्मेशन का जो सिस्टम है, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया है, फास्ट हो गया। और आजकल तो आप देख सकते हो फ्री कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, बात वीडियो के थ्रू आप बात कर सकते हो, ऑडियो तो आपको पता ही, ऑडियो के थ्रू तो हम करते ही हैं, वीडियो कॉलिंग का भी फैसिलिटी है। तो मतलब अब हम मतलब ट्रांसपोर्ट का जो कम्युनिकेशन की बात करें, तो कम्युनिकेशन आजकल बहुत ही आसान हो गया है, किसी भी व्यक्ति से किसी भी समय, किसी भी क्षण, किसी भी पल, कहीं भी किसी से भी हम बात कर सकते हैं। इवन आप अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हैं, ISS, वहाँ से भी आप सीधे यहाँ पे बात कर सकते हो। आप किसी भी प्लेनेट पे जाते हो, वहाँ से भी हम लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इतना कम्युनिकेशन का सिस्टम ब्रॉड हो चुका है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन बस इतना ही, आप शुरुआत करते हैं अपने जो लेक्चर में दे रखा है, चैप्टर में दे रखा है। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब पता ही चल गया कि एक्सचेंज ऑफ ह्यूमन गुड्स एंड थॉट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। अब मतलब एक्सचेंज मतलब अदला बदला, किसी भी चीज की, थॉट्स की, ह्यूमंस की और गुड्स की, एक जगह से दूसरी जगह इनका एक्सचेंज करना, ले जाना, लाना, ले जाना क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। और किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, आर्थिक विकास के लिए, अगर किसी देश का आर्थिक विकास करना है, किसी कंट्री का आर्थिक विकास करना है, किसी स्टेट का आर्थिक विकास करना है, किसी सोसाइटी का आर्थिक विकास करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, देन वी नीड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है ट्रांसपोर्टेशन। और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, ये ऐसी चीज है जिस जो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को गति प्रदान कर देती है, अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रैपिड ग्रोथ प्रदान करती है, उसको हम बोलते हैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे ट्रांसपोर्टेशन आता है,
कम्युनिकेशन आता है, बैंकिंग आती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, हेल्थ आती है, एजुकेशन आती है, ये सारी चीज़ें बेसिक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। और किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उस देश का होना बहुत ही ज़रूरी है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब उस देश की बैंकिंग सिस्टम दुरुस्त होनी चाहिए, उस देश का कम्युनिकेशन सिस्टम दुरुस्त होना चाहिए, उस देश का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दुरुस्त होना चाहिए, तो ही वो देश आगे ग्रोथ कर पाएगा, नहीं तो वरना पीछे पिछड़ जाएगा। ठीक है, तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। और जिस एरिया में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है या जो एरिया बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में रिच होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हासिल करते हैं, ठीक है। और वो गवाएं, जहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा है तो वो इस चीज़ के गवाएं कि वहाँ पर बेसिक क्या कहते हैं, अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत तेज़ गति से हुआ है। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कितने प्रकार का होता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर दो प्रकार का होता है, एक तो है स्ट्रक्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरल मतलब ढांचा जिसको आप देख सकते हो, तो इसमें आप देखो स्ट्रक्चरल में आता है एक तो ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये बेसिक चीज़ है स्ट्रक्चरल में। इलेक्ट्रिसिटी आपने देखा होगा खंबे जाते रहते हैं गांव गांव से, शहर शहर से इलेक्ट्रिसिटी के खंबे जा रहे हैं। कम्युनिकेशन हमें पढ़ना ही है, मतलब कम्युनिकेशन का भी इंफ्रास्ट्रक्चर। और ट्रांसपोर्ट मतलब रोड, रेल, वाटरवेज, एयरवेज, ये सभी किस में आ जाएंगे, सोशल सॉरी स्ट्रक्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएंगे, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिसिटी। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें मेनली आता है ह्यूमन रिसोर्सेज, क्या आते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट। अब ह्यूमन रिसोर्सेज आपको मैंने बताया क्या होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज पिछले वाले लेक्चर में। ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन भी एक तरह का रिसोर्स है। अगर हम किसी व्यक्ति को हेल्थ प्रोवाइड कराएं, अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएं, स्किल प्रोवाइड कराएं, तो हम पॉपुलेशन को, ह्यूमन को किस में बदल सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट किस में आता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा। सामाजिक, तो समाज अच्छा हमारा डेवलप होगा, ह्यूमन हमारे अच्छे तरह से डेवलप होंगे, स्किल्ड होंगे, तो उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो इनकम बढ़ेगी उनकी, उनकी बढ़ेगी इनकम बढ़ेगी, देश की इनकम बढ़ेगी, एजुकेशन के स्टैंडर्ड बढ़ेंगे, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेंगे, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी और कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर फिर नीचे एक बता रखा है कि हमारे राजस्थान में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ही ज़्यादा अभाव है, इसलिए बाकी जो डेवलप्ड स्टेट है इंडिया में उनकी तुलना में राजस्थान बहुत ही ज़्यादा पीछे पिछड़ा हुआ है। इसलिए राजस्थान में भी ध्यान दिया जा रहा है, किस चीज़ पर ध्यान दिया जा रहा है कि भैया बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, रोड, रेलवे और कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इनको भी डेवलप किया जाए ताकि हमारा राजस्थान भी क्या कर सके, ग्रो कर सके। तो इसी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए सरकार बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है, किस में इन्वेस्ट कर रही है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके। अब ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के साधन, ट्रांसपोर्टेशन के तरीके, या ट्रांसपोर्टेशन कितने प्रकार का होता है। मोड्स या मीन्स एक ही मतलब है, माध्यम, साधन, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन के मेनली तीन माध्यम है, पहला लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट दूसरा, और तीसरा है एयर ट्रांसपोर्ट। या तो हम जमीन पे जा सकते हैं सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, या हम वाटर में जा सकते हैं, या हम जा सकते हैं एयर में। अब जमीन पर हम जा सकते हैं तीन प्रकार से, एक तो रोड के थ्रू जा सकते हैं, दूसरा रेलवे के थ्रू जा सकते हैं, और तीसरा पाइपलाइन के थ्रू हम चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। तो लैंड ट्रांसपोर्टेशन में मेनली तीन चीज़ आती हैं, रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट और पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। बात करें वाटर ट्रांसपोर्ट की, तो वाटर ट्रांसपोर्ट में दो हैं, इनलैंड वाटरवेज और दूसरा है ओशियन ट्रांसपोर्ट। इनलैंड वाटरवेज में आती हैं आपकी रिवर्स के थ्रू, आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर देश में बहुत बहुत जो बड़ी बड़ी रिवर्स हैं जो पूरी साल बहती हैं, जिनको हम पेरेनियल बोलते हैं, उन रिवर्स में होता है इंटरनल वाटरवेज की सुविधा। इंटरनल वाटरवेज का मतलब है देश के भीतर रिवर्स के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनल वाटरवेज, ठीक है। और दूसरा है ओशियन ट्रांसपोर्ट, और आपको पता है दो देशों के बीच में जो ट्रेड हो रहा है आज की डेट में, हमारे भारत का भी जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है वो भी किसके थ्रू हो रहा है, ओशियन रूट के थ्रू हो रहा है, समुद्री मार्ग के थ्रू हो रहा है। हमारे पानी के बड़े बड़े जहाज इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इसके थ्रू अलग अलग देशों में जाते हैं और विदेशों से भी सामान आता है। और जितना भी हमारा फॉरेन ट्रेड हो रहा है उसका लगभग 90% सिर्फ और सिर्फ किससे हो रहा है, ओशियन ट्रांसपोर्ट से हो रहा है, ठीक है, लगभग लगभग, ठीक है, बाकी तो प्लस माइनस फ्लक्चुएट करता है। और तीसरा ट्रांसपोर्ट है एयर ट्रांसपोर्ट, और एयर ट्रांसपोर्ट दो प्रकार का है, एक तो इंटरनेशनल एयरलाइंस आती है उसमें, दूसरी आती है डोमेस्टिक। इंटरनेशनल एयरलाइंस का मतलब है दो देशों के बीच में जो एयरलाइंस चलती हैं, जैसे इंडिया से यूएसए, तो कैसा एयरवेज हो गया, इंटरनेशनल। अब बात करें डोमेस्टिक एयरलाइंस की, तो सब वो ऐसा समझ लो कि जयपुर से दिल्ली,
तो जयपुर से दिल्ली मतलब देश के अंदर ही है, तो ये वाला ट्रांसपोर्ट कैसा कहलाएगा? डोमेस्टिक एयरलाइंस। और डोमेस्टिक में भी, घरेलू ट्रांसपोर्ट में भी, घरेलू एयरलाइंस में भी दो प्रकार की हैं, एक है पब्लिक और दूसरी है प्राइवेट। पब्लिक का मतलब होता है सरकारी और प्राइवेट का मतलब है निजी, ठीक है। तो ये दोनों, ये डोमेस्टिक सुविधाएं सरकार भी प्रोवाइड करा रही है और प्राइवेट कंपनी भी प्रोवाइड करा रही हैं। अब एक टॉपिक और देखेंगे आज हम, ये है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का क्या महत्व है, ट्रांसपोर्टेशन का क्या फायदा है, ठीक है। सो इसको और देखते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सबसे पहले इफिशियंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन कॉन्टिन्यूस इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। इफिशियंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब है एक अच्छा तंदुरुस्त जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा, अच्छे रोड्स होंगे, अच्छा रेलवे का नेटवर्क होगा, अच्छा एयरवेज का नेटवर्क होगा, अच्छा वाटरवेज का जो नेटवर्क होगा स्ट्रांग, ठीक है, जहाँ पर मतलब इंटरप्शन कम हो, वो अगर अच्छा है किसी देश का, तो वो देश बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकली प्रॉस्परस होगा और उसका देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट लगातार होगा। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आपको पता है हम सामान को, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। आपको पता है रेल के थ्रू हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। रेल, रोड और इन सब चीज़ों के थ्रू हम क्या करते हैं, सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन का एक और फायदा क्या है, इससे समय की बचत होती है, साथ ही साथ में मनी की भी बचत होती है, आपका टाइम भी बचता है, साथ ही साथ में आपका पैसा भी बचता है। और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेरिसेबल आइटम्स इज पॉसिबल। पेरिसेबल आइटम्स वो आइटम्स होते हैं, वो सामान होते हैं जो जल्दी खत्म, खराब हो जाते हैं, उन आइटम्स को हम क्या बोलेंगे, पेरिसेबल आइटम्स। जैसे आपका दूध हो गया, सब्जियाँ हो गई, फल फ्रूट्स हो गए, तो अगर इनको आप मान लो घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी से ले जाओ, सॉरी बैलगाड़ी से ले जाओ, तो आपको पता है बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा, हो सकता है इतने में ये खराब हो जाए। और यहीं आप पर अगर इसी समय अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क हो, फास्ट ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क हो, तो आप फटाफट सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं बिना उसको खराब हुए। और कई बार तो आपको पता है ऑर्गन, कुछ आपने मूवीज में देखा होगा, ऑर्गन जब ट्रांसप्लांट होते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, या जितने भी बॉडी के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, इनके ट्रांसप्लांट होता है और कई एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो उसमें हमारा ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसमें स्पेशली जैसे मान लो चेन्नई से दिल्ली में अगर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाना है, वहाँ से लाना है चेन्नई से, तो उसमें क्या चीज़ हेल्प करेगी, हमारा एयरवेज, ठीक है। तो जो पेरिसेबल आइटम्स होते हैं और जो बहुत ही ज़्यादा लाइफ सेविंग आइटम्स होते हैं, उनको हम फटाफट ट्रांसपोर्टेशन की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचा सकते हैं बिना खराब हुए। और ट्रांसपोर्टेशन से सबसे बड़ा फायदा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अगर किसी देश का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है, तो उस देश का ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है इंडस्ट्री में क्या होता है, इंडस्ट्री में पहले आपको रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल लाने के लिए कहाँ से आएगा, वो भी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आएगा। अब जो चीज़ें बन जाती हैं फिनिश प्रोडक्ट, उसको देश के अलग अलग भागों में, विदेशों, अलग अलग पार्ट्स में भेजने के लिए वहाँ पर भी क्या होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, तभी तो आप चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हो, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है इससे। नेक्स्ट है, ट्रांसपोर्टेशन की सहायता से बाकी सेक्टर भी डेवलप करते हैं, नॉट ओनली इंडस्ट्री, इसकी सहायता से हर चीज़ डेवलप करती है। आपको पता है हमारे इकोनॉमी में तीन सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, तीनों सेक्टर ग्रो करते हैं किसकी वजह से, एक अच्छे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की वजह से। और नेचुरल कैलेमिटी के दौरान, नेचुरल कैलेमिटी का मतलब है प्राकृतिक आपदा के दौरान, आपदा मतलब जैसे फ्लड आ गई, साइक्लोन आ गया, अर्थक्वेक आ गया, इन सारी सिचुएशंस में ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है लोगों की जान बचाने में, जान माल की हानि को कम करने में और समस्याओं से निपटने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। सॉरी। और इट इज़ द लाइफ लाइन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल सेटअप ऑफ द कंट्री। किसी भी देश की लाइफ लाइन होती है भाई साहब ट्रांसपोर्टेशन। अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा है, तो उसका मतलब कंट्री अच्छा डेवलप करेगा, अच्छी तरह से रैपिड डेवलपमेंट होगा, और सोशल सेटअप का ये लाइफ लाइन होती है। हमारी बॉडी में भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आप साइंस में पढ़ते हो, हमारा जो ब्लड सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें भी क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ब्लड क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, किसके थ्रू, आपको पता है बॉडी में ब्लड वेसल्स होती हैं, जिसमें आर्टरीज, वीन्स, कैपिलरीज, ये क्या हैं, ब्लड वेसल्स हैं। और ये क्या है, बॉडी के ईच एंड एवरी ऑर्गन से कनेक्टेड है। और क्या बह रहा है इनमें, ब्लड बह रहा है। तो ट्रांसपोर्टेशन का महत्व तो हर जगह पे, बिना ट्रांसपोर्टेशन के कुछ भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और आपको पता है ये रॉकेट भी ऊपर छोड़ते हैं, ये भी एक ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम है, ये भी सामान को एक जगह से नीचे दूसरी जगह ले जा रहे हैं। जैसे हमने चंद्रयान
टू भेजा था, इसरो ने भेजा था, ठीक है। तो रॉकेट भी एक मीडियम हो गया जो क्या कर रहा है, अपने सैटेलाइट को, चंद्रयान 2 को यहाँ से धरती से ऊपर ले गया, पृथ्वी की ऑर्बिट में ले गया और वहाँ पर जाके छोड़ दिया। तो ये भी एक ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वहाँ पर एस्ट्रोनॉट जाते हैं आते हैं, तो वो भी एक किसका ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम हो गया, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन का अगला फायदा क्या है, इट डिलीवर्स रॉ मटेरियल टू फैक्ट्रीज एंड फिनिश्ड गुड्स टू कंज्यूमर्स, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन की सहायता से रॉ मटेरियल फैक्ट्रीज और कंपनी तक जाता है, और फैक्ट्री में बनने वाला फिनिश गुड ट्रांसपोर्टेशन की सहायता से देश के अलग अलग और राज्यों के अलग अलग गांव शहरों के अलग अलग जहां जहां कंज्यूमर से वहां तक पहुंच जाता है। इससे फिजिकल एफर्ट्स कम होते हैं, शारीरिक बल कम लगता है और पैसा भी बचता है, ठीक है। एक आप पैदल जाओ किसी जगह पर तो थक जाओगे, साइकिल से जाओ तो थक जाओगे, वहीं आप बाइक ले जाओ तो आप कम थकोगे, तो फिजिकल एफर्ट्स कम हो जाते हैं और इंटरनेशनल ट्रेड भी इससे बढ़ती है। किससे, ट्रांसपोर्टेशन से। तो ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन का इम्पोर्टेशन, ठीक है। तो और ये हमारा आपको पता ही है टेलीग्राम चैनल है लकी एजुकेशन, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ पे आप अपने जितने भी सब्जेक्ट के सारे नोट्स हैं उनको डाउनलोड कर सकते हो। तो कैसे लकी एजुकेशन चैनल आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम का, ये वीडियो बना हुआ है, इसको स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हो। और ये हमारे यहाँ आप कनेक्ट हो सकते हो फेसबुक पर, ये हमारा टेलीग्राम सॉरी फेसबुक चैनल है, चैनल तो नहीं ग्रुप है, साथ के साथ में पेज भी है, और ये हमारी आईडी है, अलग अलग जगह पर आप जुड़ सकते हो और नोटिफिकेशंस फॉलो कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।